सो गाइस, हम सभी को पता है आज के डेट में 10 से भी ज्यादा PUBG मोबाइल के डिफरेंट वर्जन हैं। पर क्या आपको पता है PUBG मोबाइल के एक ऐसे वर्जन के बारे में जिसे डेवलपमेंट के टाइम ही कैंसिल कर दिया गया था, एंड वो PUBG का अब तक का मोस्ट रियलिस्टिक एंड एडवांस वर्जन है। पर इतना अच्छा होने के बावजूद उसे कैंसिल क्यों किया गया, एंड वो गेम कैसा दिखता है, उसका नेम क्या है, एंड उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे आज वाली वीडियो में। बट वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, एंड अगर गेमिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट पर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले बात करते हैं इस गेम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन की। तो इस गेम का कंप्लीट नेम है PUBG मोबाइल टीमी, क्योंकि इसको डेवलप किया है टेंसेंट गेम्स के एक सब्सिडरी स्टूडियो ने जिसका नेम है टीमी स्टूडियो। अब गाइस, क्राफ्टन गेम्स ने PUBG के एसेट एंड उसके 5 years के पब्लिशिंग राइट टेंसेंट गेम्स को दिया, एंड बोला कि इस गेम को मोबाइल डिवाइस के लिए पोर्ट करो। तो टेंसेंट गेम्स ने इसका काम अपने दो सब्सिडरी स्टूडियोज यानी कि लाइट स्पीड एंड क्वांटम स्टूडियोज एंड टीमी स्टूडियोज को दे दिया। तो यहाँ पे लाइट स्पीड एंड क्वांटम स्टूडियोज ने PUBG मोबाइल ग्लोबल वर्जन डेवलप किया, जिसको आज हम BGMI के फॉर्म में खेलते हैं। एंड गाइस, टीमी स्टूडियोज ने PUBG मोबाइल टीमी डेवलप किया। अब टीमी का बीटा आया था चाइना कंट्री के लिए, एंड उसको 2 से 3 महीने चलाया गया, लेकिन फ्यूचर में जा करके इस गेम को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन स्टिल टीमी PUBG ग्लोबल से 1000 गुना बेटर था। ऐसा क्यों, आगे बात करते हैं। नाउ गाइस, बात करते हैं इस गेम के कुछ स्पेशलिटीज की जो कि इसको PUBG ग्लोबल से बेटर बनाती है। तो इस गेम के ग्राफिक्स लिटरली नेक्स्ट लेवल हैं। इस गेम के अंदर जो टेक्सचर यूज किए गए हैं वो PUBG PC के हैं। इस गेम की जो लाइटनिंग है उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि लाइट फॉल करेगी, बाउंस करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, बिल्कुल रियलिस्टिक फील देगी। इस गेम के फिजिक्स, इस गेम के मैकेनिक्स टोटली हाई लेवल के हैं, एंड बिल्कुल PUBG PC का एक्सपीरियंस देते हैं मोबाइल डिवाइस में। इस गेम का गेम प्ले काफी स्मूथ है, इस गेम के कंट्रोल्स काफी ऑप्टिमाइज्ड है, काफी अच्छे हैं। एंड गाइस, ये गेम PUBG ग्लोबल के कंपैरिजन में काफी कम लैग करता है, गेम प्ले काफी स्मूथ है, एंड इस गेम के अंदर बग्स एंड ग्लिचेस बिल्कुल ना के बराबर थे PUBG ग्लोबल के कंपैरिजन में। ओवरऑल आप खुद गेम प्ले देख सकते हो, इसका गेम प्ले कितना एडवांस है, प्लेयर मूवमेंट कितना एडवांस है, गन मैकेनिक्स कितना एडवांस है PUBG ग्लोबल के कंपैरिजन में। एंड यू गाइस नो व्हाट, इस गेम के अंदर उस समय के हिसाब से काफी एडवांस फीचर थे जो कि अब जाके PUBG ग्लोबल के अंदर आए हैं। लाइक इस गेम के अंदर माउंटेबल शील्ड डाला गया था जिसको आप बैटल रॉयल मोड के अंदर यूज कर सकते थे एनिमी के बुलेट से प्रोटेक्ट होने के लिए, जो कि अब जाके PUBG ग्लोबल के अंदर आया है। इस गेम के अंदर उस समय जेट पैक मिलता था जो कि आपके बैटल रॉयल के एक्सपीरियंस को बढ़ा देता था, एंड देखने में काफी रियलिस्टिक था, जो कि अब तक PUBG ग्लोबल के अंदर नहीं आया है। इस गेम के अंदर मीरामार एंड सैनहॉक के मैप पहले अपडेट में डाल दिए गए थे जो कि PUBG ग्लोबल में काफी बाद में आए। इस गेम के अंदर रॉक कैमोफ्लेज, होलोग्राम एंड एक्सप्लोसिव ट्रैप का फीचर था इनिशियल स्टेज में, जो कि अब तक PUBG ग्लोबल के अंदर नहीं आया है। एंड इस गेम के अंदर हमें एक डिप्लॉयबल स्ट्रक्चर मिलता था जिसको यूज करके हम हाई प्लेस को क्लाइम कर सकते थे, जो कि PUBG ग्लोबल में अब जाके आया है। कुल मिला के देखा जाए तो ये गेम PUBG ग्लोबल के कंपैरिजन में उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा आगे चल रहा था, एंड इसके अंदर काफी सारे एडवांस फीचर थे जो कि इस गेम को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते थे। नाउ गाइस, बात करते हैं इस गेम के पूरे हिस्ट्री से लेकर अब तक के सिचुएशन की, यानी कि अभी ये गेम कहाँ है, किस रूप में है, एंड पहली बार ये गेम कैसे बना था। तो गाइस, सबसे पहले क्राफ्टन गेम्स ने PUBG PC के 5 years के पब्लिशिंग राइट टेंसेंट गेम्स को दिए, एंड बोला कि इस गेम को मोबाइल डिवाइस के लिए पोर्ट करो। तो टेंसेंट गेम्स ने ये काम अपने दो सब्सिडरी स्टूडियोज यानी कि लाइट स्पीड एंड क्वांटम स्टूडियो एंड टीमी स्टूडियोज को दे दिया, जिसके बाद टीमी स्टूडियो ने PUBG टीमी डेवलप किया। अब PUBG टीमी के बीटा को चाइना कंट्री के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन ग्लोबली इसको हर किसी ने खेला VPN की हेल्प से। लेकिन गाइस, 2 या फिर 2.5 महीने के बाद गेम को कैंसिल करना पड़ गया बिकॉज गेम को काफी हेट मिला। देन गाइस, काफी लोगों ने पेटिशन लॉन्च किया, एंड पेटिशन पे 20,000 साइन आए कि PUBG टीमी को वापस लॉन्च करो, जिसके बाद टेंसेंट गेम्स ने PUBG टीमी को वापस से लॉन्च किया PUBG मार्चिंग के नेम से, एंड PUBG मार्चिंग का बीटा 2 महीने के लिए चला। देन उसके बाद उसको भी कैंसिल कर दिया गया,
देन उसके बाद प्लेयर्स ने होप खो दिया था कि अब पबजी टीमी कम बैक नहीं करेगा। देन गाइस मीनवाइल पबजी टीमी के पूरे प्रोजेक्ट को क्राफ्टन गेम्स ने एक्वायर कर लिया एंड उस गेम पर काम किया। देन गाइस ईयर 2021 में नवंबर के मंथ में क्राफ्टन गेम्स ने पबजी टीमी पर काफी मॉडिफिकेशन किया एंड उस गेम को न्यू स्टेट मोबाइल के नेम से लॉन्च किया, जिसको आज आप पबजी न्यू स्टेट के नेम से जानते हो। तो ये थी पबजी टीमी की पूरी हिस्ट्री। नाउ गाइस बात करते हैं आखिर क्यों पबजी टीमी को कैंसिल किया गया, जबकि इस गेम में पबजी ग्लोबल से ज्यादा पोटेंशियल था एंड इस गेम ने वापस से मार्केट में कमबैक कर लिया था पबजी मार्चिंग के नेम से। अब गाइस इसके दो मेजर रीजन है। पहला रीजन है हेट। तो गाइस यहाँ पे इंटरनेशनली फॉरेन के स्ट्रीमर्स ने पबजी टीमी को काफी हेट दिया ताकि पबजी पीसी की पॉपुलैरिटी डाउन ना हो, यानी कि पबजी टीमी के अंदर बिल्कुल पबजी पीसी का एक्सपीरियंस मिल रहा था एंड अगर ये गेम लॉन्च हो जाता एंड हिट कर जाता तो ऑब्वियस सी बात है पबजी पीसी की पॉपुलैरिटी गिरती एंड पबजी पीसी से लोग पबजी टीमी में स्विच करते, बिकॉज दोनों गेम के अंदर बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस मिलता है, जबकि मोबाइल के अंदर आप गेम को ज्यादा पोर्टेबली खेल सकते हो एंड अगर ऐसा होता तो स्ट्रीमर्स को काफी लॉस सफर करना पड़ता। तो इंटरनेशनली काफी सारे स्ट्रीमर ने पबजी टीमी के खिलाफ इतनी नेगेटिव बातें बोली, इतना हेट फैलाया कि लोगों ने पबजी टीमी को ऑटोमेटिकली हेट दिया। एंड गाइस सेकंड रीजन, अगर पबजी टीमी लॉन्च हो जाता तो पबजी पीसी की सेल गिर जाती, बिकॉज पबजी टीमी के अंदर टोटली पबजी पीसी का एक्सपीरियंस मिलता है। इसीलिए क्राफ्टन गेम्स ने इंटेंशनली पबजी टीमी को लॉन्च होने नहीं दिया ताकि पबजी पीसी बरकरार रहे एंड पबजी पीसी की सेल बढ़ती रहे। सो यस गाइज दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अपकमिंग वीडियोस को लेके कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आप सभी से अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।